कुछ दिनों पहले मेरे पास एक टेलीफोन आता है, एक लड़के का। वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है। उस गर्लफ्रेंड ने उसे जब ये पूछा कि तुम्हारे घर में डस्टबिन कितने हैं, तो वो लड़का हैरान था। उसने कहा कि डस्टबिन का क्या मतलब है? यानी लड़की बोली कि तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग कितने हैं? उस लड़के ने कहा कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे घर के बड़े बुजुर्ग कोई डस्टबिन नहीं है। आज की कहानी भी आपको कुछ ऐसी ही सीख देगी। काफी समय से दादी परेशान थी और पिता यानी दादी के जो हस्बैंड थे वो नहीं थे। घर पर ही दो नर्स उनका इलाज करती थी, क्योंकि बेटे के पास उनको देखने का वक्त नहीं था। उन्हें नर्स का इंतजाम कर दिया। डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भाई परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लो, अब ये जो बुढ़िया है ये बहुत कम दिन ही रहेगी। इधर लॉकडाउन आया, हॉस्टल से बच्चे घर लौट आए। बच्चे जब घर आए तो दादी को सोता हुआ देखे तो लिपट गए। कुछ देर बाद दादी की आंखें खुली तो बच्चे यानी अपने पोते और पोतियों को पास में देखकर दादी बड़ी खुश थी। उन्होंने बच्चों ने कहा कि दादी हमें हॉस्टल का खाना पसंद नहीं है, आप क्या खाना बना के हमें पका कर खिला सकती हैं, क्योंकि आप ऐसा बचपन में करती थी। नर्स ने बच्चों को डांटा और कहा कि बाहर निकल जाओ, और ये दादी बीमार है। नर्स पर दादी बरस पड़ी और कहा कि तू जब दादी बनेगी तब समझेगी पोते और पोतियों की क्या कीमत होती है। दादी ने कहा कि चलो बच्चों, और जो दादी डेथ बेड पर थी वो उठ भी जाती है और जैसे तैसे आधे घंटा लगता है किचन में जाकर खाना भी पकाती है और रसोई में अपने पोते पोतियों को बैठकर खाना खिलाती भी है। उस नर्स से देखा कि बड़ा जबरदस्त कमाल है, मेरी दवाएं तो इतनी असर नहीं कर रही, और यहाँ डॉक्टर ने कह दिया कि परिवार वाले लोगों को बुला लो। दादी की आंखों में इस बात के आंसू थे कि वह अपने बेटे को यानी पोते पोतियों के पिता को भी बचपन में ऐसे ही खिलाया करती थी। आज दादी के बेटे के पास वो सब कुछ है, लेकिन वक्त नहीं है कि अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खा सके। वो बच्चे भी कहते हैं कि हमें सब कुछ हमारे माता पिताजी ने दिया, बस उनका प्यार नहीं है। मेरे प्रिय साथियों, यहां पर बात समझने की सिर्फ इतनी सी है कि अगर प्यार और सम्मान अपने बड़े बुजुर्गों को दिया जाए तो वह पहले 100 साल जिया करते थे। आपने देखा होगा कि खेत खलियान घर में होते थे, घर का कामकाज भी करते थे, मसाला भी कूटते थे, गाय भी थी और पानी लाना वगैरह ये सब चीजें हुआ करती थी, परिवार में प्रेम था। अब क्या हो गया, परिवार टूटते गए, अलग अलग मकान बनते चले गए और यहाँ पर बच्चे पलते हैं डे केयर सेंटर में। नर्स बहुत हैरान थी। नर्स अगले दिन अपना बोरिया बिस्तर बांधा कि मेरी और दवाई की नहीं बल्कि इनको परिवार के प्रेम की जरूरत है। मेरे प्रिय साथियों, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारे दादा दादी हमें सुनाया करते थे, लेकिन आज उन लोगों से दूर रहिए जो अपने आने वाले परिवार में बड़े बुजुर्गों को डस्टबिन कहते हैं। बहुत दुख होता है, लेकिन अपने प्यार और सम्मान को जरूर अपने बच्चों के सामने दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अंतर मन से अपने बड़े बुजुर्गों को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, और यही हमारे आगे वाली पीढ़ी देखेगी। और इसलिए नहीं कि हमारे साथ भी वो अच्छा करें इसलिए हम झूठी शान के लिए माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं, नहीं। थोड़ी कहानी लंबी जरूर है, लेकिन लंबी जिंदगी के लिए छोटी या बड़ी कहानी आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर दवा नहीं अपनों को सम्मान दें। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 22 दिसंबर बुधवार आज का राशिफल। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मेरे UAE दौरे में थोड़ी तब्दीली आ गई है। मैं 28 दिसंबर को अबुधाबी में हूं और 29 तारीख से लेकर 3 जनवरी तक, यानी 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक मैं दुबई में हूं। आप पर्सनली मिल सकते हैं, वास्तु विजिट भी हम करेंगे। उसके बाद 14 जनवरी मुंबई, 15 जनवरी नागपुर, 16 जनवरी इंदौर, 17 जनवरी दिल्ली रहेंगे। 28 से 30 जनवरी तक मैं सूरत बड़ौदा अहमदाबाद पर रहूंगा, आप चाहें तो पर्सनली मिल सकते हैं। चंद सेकंड में आप लोगों के लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग में। आज दोपहर में 4:52 तक तृतीया और बाद में चतुर्थी रहेगी। आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा, बड़ा पुण्य दिन है। ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, आनंद आदि योग और बुधादित्य योग का साथ तो है ही है, लेकिन एक नया इंद्र योग बन रहा है। अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो रोचक योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा अपने ही घर कर्क राशि में रहेंगे। आज के दिन अगर आप किसी शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो आपको एक बार मिलेगा। शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक कोशिश करेगा कि दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न किए जाएं। जब आज आप 6 राशि का राशिफल देख लेंगे तो व्यवसाय में अगर कोई इलेक्ट्रिक चीजें बार बार खराब होती है, तकनीकी प्रॉब्लम आती है तो क्या विशेष उपाय करना चाहिए, और कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे आज के एस्ट्रो ज्ञान की। शुरुआत करते हैं मेष राशि से।
आज अपनी माता जी की सेहत या बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ख्याल रखिएगा। व्यापार में आपके प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटर दोनों ही छा रहे हैं और आपकी बिक्री कमजोर है और आपका आत्मबल भी कमजोर है। चिंता का विषय चिंतन में तब्दील करिए। वर्क प्लेस पर यानी जॉब में दूसरों को पीछे छोड़ने की कोशिश में आप पीछे रह जाएंगे। नौकरी में आपको कुछ अनचाही रुकावटों का सामना इसलिए करना पड़ेगा, लेट अति फिर आलस से आप पर हावी रहेगा। खुल जाएंगे सारे रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, बस तू जिद पर अड़ तो सही। चुनौतियों भरा दिन हो सकता है। चंद्रमा का 11th हाउस से षडाष्टक दोष, जिससे पैसा आने, खर्च और कर्ज में थोड़ी तकलीफ आएगी। खर्च और कर्ज को कम करना और पैसा लाने के लिए प्रयास करना जरूरी है। कोर्ट कचहरी, मुकदमे, पुलिस केस या अपमान से आपको थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। संतान के भविष्य को लेकर परेशान ना हो, समय के साथ सब कुछ सुलझ जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई बात आपको उचित न लगे तो उसे मानने की आवश्यकता नहीं है, बस प्यार मोहब्बत से समझाने की जरूरत है। कुछ लोग जलन की भावना से आपके लिए षड्यंत्र रचेंगे, गलतफहमी उत्पन्न करेंगे। ख्याल रखिए, बेहतर होगा कि दूसरों की बातों को आप नजरअंदाज करें। आज भाग्य स्थान में सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके भाग्य को चमका सकता है। शाम को स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज एनर्जी लेवल अच्छा रहे इसके लिए अच्छी नींद लेना जरूरी है। वृषभ राशि, छोटी हो या बड़ी हो, भाई हो या बहन हो, मदद देना लेना कुछ भी करके बॉन्डिंग मजबूत करनी चाहिए। 7th हाउस यानी व्यापार भाव में मंगल के स्वग्रह होने और रोचक योग से बिजनेस में एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। नए लोगों से संपर्क बनेंगे, चुनौती मिलेगी, ऑर्डर भी मिलेंगे। हर काम को तय समय पर पूरा करने के लिए आपको संकल्प लेना चाहिए, जिसे पूर्ण करने में आप जी जान लगा दीजिए। वर्क प्लेस में सभी काम आपकी देखरेख में हो, इस पर ध्यान दीजिए। नए ऑर्डर और टेंडर मिलने की संभावना ज्यादा है। साथ ही सामान की उत्तम क्वालिटी लाभ के मार्ग को और अधिक प्रशस्त करेगी। नौकरी पेशा लोगों को यात्रा करनी पड़ सकती है, साथ ही आपको अपने पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए फोकस करना होगा। वर्क प्लेस पर नए आइडियाज, क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज के साथ आगे बढ़ने का दिन है। बिजनेस हाउस से चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे परिवार में आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, जिसे आप बखूबी अंजाम तक पहुंचाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमी दूर करिए, रिश्तों में मिठास लाइए। मन को उदासी से दूर करने के लिए एंटरटेनमेंट और म्यूजिक का सहारा लीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपका झुकाव आज शानदार रहेगा अपने काम में। मिथुन राशि, मेरे प्रिय साथियों, फाइनेंस पर ध्यान दीजिए। कितना है पैसा, कैसे पैसे से पैसे कमाएं, पैसा कब आएगा और खर्च और कर्ज को कैसे करें, इसके लिए इनोवेटिव आइडियाज को अपनाइए। कुछ नहीं कर सकते तो बात तो करिए, रिसर्च करिए। 7th हाउस पाप कर्तरी दोष में होने से लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से मीटिंग में आपकी बातों को लेकर आप अड़ियल ना रहें, वरना बैठे बैठे झगड़ा फसाद और आपके मन में एक ईर्ष्या व्याप्त होगी। जॉब में आपके आइडियाज बहुत सराहनीय होंगे, किंतु उन्हें थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने की जरूरत है। कहीं अहंकार ना हो जाए कि मैं ही समझदार हूं। चंद्रमा का कर्म स्थान से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे वर्क प्लेस पर आपको अपने आसपास के लोगों को एक टीम के तरीके से लेना पड़ेगा। अपने आप को लीडर साबित न करें, बल्कि सबके साथ मिलकर आगे बढ़े। रिश्तों में दूसरों का एटीट्यूड और नजरिया देखने का प्रयास करें, अपनी नजर को नेगेटिव न रखें। प्रेम संबंधों को लेकर आप फनी मूड में रहेंगे, प्यार, इश्क और मोहब्बत रहेगी। अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय परिवार और जीवन साथी के लिए भी अवश्य निकालें। जो परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है, उस परिवार में सदैव सुख और शांति ही समृद्धि के साथ होती है। आपसी संबंधों में और अधिक नजदीकी आएगी तथा घर का वातावरण भी खुशनुमा रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए कुछ मायनों में आज अहम दिन है। जोड़ों में दर्द, लोअर बैक में तकलीफ रहेगी। उत्तम आहार लीजिए, योग और प्राणायाम कीजिए, अच्छी नींद लीजिए। कर्क राशि, अपनी बौद्धिक विकास, IQ EQ लेवल का बेटर होना, मेमोरी पावर अच्छा होना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना, ड्रेसिंग सेंस और शानदार होना, अट्रैक्शन रहेगा। चंद्रमा की सातवीं दृष्टि बिजनेस हाउस पर होने से नए साल के लिए आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं। होटल, रेस्टोरेंट, फूड एंड बेवरेजेस, पार्टीज, फैशन, पैशन, हॉबी से संबंधित लोगों के व्यापार में अब तेजी आएगी और योजनाएं आगे बढ़ेगी। थोड़ा दबाव कम रहेगा पैसों को लेकर। करियर संबंधित बड़ा प्रोजेक्ट आपकी कोशिशों की वजह से आगे बढ़ेगा, जिसका श्रेय भी आपको ही मिलेगा। वर्क प्लेस पर किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए दिन शानदार है। नौकरी में आपको कुछ मामलों में अधिकारियों से तारीफ सुनने को मिल सकती है। आपकी सलाह बहुत लोगों के काम आएगी, इसलिए अपनी बात कहने से झिझक न करें। परिवार में सभी की खुले दिल से मदद करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में नकारात्मक सोच से बचिए। यंग एंटरप्रेन्योर को और ऐसे लोगों को जो बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, शुभ समय है। और ऐसे लोग जो शादी को लेकर लालायित है,
या अच्छा कंपेनियन साथी चाहते हैं, आज उनकी चिंता चिंतन में तब्दील होगी। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स मौज मस्ती के साथ पढ़ाई शानदार रहेगी, खेल शानदार रहेगा, नया कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। हाँ, चंद्रमा का छठे भाव से षडाशक दोष है, मानसिक और शारीरिक तनाव और त्वचा का विकार एलर्जी परेशान करेगी। सिंह राशि, खर्च और कर्ज को कम कैसे करें हो जाए सावधान। पैसों से संबंधित व्यवहार करते वक्त पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखिए। चंद्रमा का बिजनेस हाउस से षडाष्टक दोष रहेगा, जिससे व्यापार में कठोरता, कड़वे शब्द, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी ना होना, ग्राहकों से उलझना, पार्टनर से उलझना बड़ा नुकसान दे सकता है। मेरे प्रिय साथियों, चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में मंगल केतु का अंगारक दोष है। माता जी की सेहत, रैश ड्राइविंग करना, गुस्से में आकर जॉब छोड़ देना तकलीफ आ सकती है। ध्यान रखिए और अलर्ट रहिए, कार्य क्षेत्र में और निजी जीवन के आगे के द्वार बंद मिलेंगे ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। करियर के मोर्चे पर भी लगभग यही स्थिति बन सकती है। वर्क प्लेस पर किसी का व्यवहार, किसी की एक्टिविटी आपको गलत लग सकती है, इसे अवॉइड करें। आपका व्यवहार आपका व्यक्तित्व दर्शाता है। परिवार में अपनी जरूरतों की ओर ध्यान देना चाहिए। मैरिड लाइफ में अकड़ू रवैया आपको प्यार, इश्क और मोहब्बत से दूर कर देगा। केवल अपनी जिद पर अड़े रहने की वजह से ना आप खुद रह पाएंगे सुख से और ना ही लोगों को रख पाएंगे। भावनाओं से अधिक, मेरे प्रिय साथियों, भावनाओं से अधिक विचारों को महत्व देने की आवश्यकता है। पंचम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग होने से स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स लव पार्टनर साथ प्रॉपर सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे और वातावरण को सुखद बना पाएंगे। कन्या राशि, प्रॉफिट किस पे मिले, बिस्तर से उठते वक्त ये सोचिए आज का दिन आपको कैसा चाहिए, अब वैसा डिजाइन करिए और वैसे ही लग जाइए संकल्प लेकर, आज का दिन वैसा बनेगा। चंद्रमा का व्यापार भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा। व्यापार में महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे, नए लोगों से मेल मुलाकात बढ़ेगी, नए ऑर्डर, टेंडर या काम मिल सकता है। मीडिया और रचनात्मक व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को कुछ अच्छा काम मिल सकता है। फ्रीलांसर, सर्विस प्रोवाइडर, आईटी प्रोफेशनल लोगों को अच्छे लाभ मिलेंगे। कोई सरकारी टेंडर या सरकारी संस्थाओं से संबंधित आपके करार संभव है। प्रोफेशनल तौर पर दिन काफी अच्छा साबित हो सकता है। मंगल की आठवीं दृष्टि कर्म स्थान पर होने से वर्क प्लेस पर आपके सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण आप हर परिस्थिति को अनुकूल करने में सफल होंगे। परिवारजनों के साथ खुशियों से भरा दिन रहेगा, संतान की ओर भी ध्यान दे सकेंगे। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आज खुशनुमा माहौल बनेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या जनरल एग्जाम हो, उस पर आप अपने काम और पढ़ाई की अनदेखी ना करें, वरना आपका रिजल्ट खराब होगा। गले और सांस और एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान करेगी, ख्याल रखिएगा। प्रिय साथियों, आइए छह राशि के बाद बात करते हैं बिजनेस में इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर खराब हो रहे हैं तो उसके लिए विशेष उपाय। आपको मशीनरी के लिए शनि और मंगल की पूजा करनी चाहिए और आए दिन अगर ऐसी तकलीफ आती है तो आप काली हल्दी को पीस कर केसर और गंगा जल मिलाकर बुधवार को उस मशीन पर स्वास्तिक बना दें और जहां पर आपकी टेक्नोलॉजी सारी रखी है उस दरवाजे के अंदर की तरफ भी स्वास्तिक बनाइए, लाभ जरूर मिलेगा। तुला राशि, काम करने का नशा, कुछ अलग करने का नशा, वर्कोहोलिज्म, ये सब कुछ आप पर छा जाएगा। बिजनेस के कारक बुध का सप्तम भाव से नवम पंचम राजयोग, जिससे ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऐसे लोग जो फ्रीलांसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, ब्रोकरेज है, परिणाम शानदार मिलेंगे। आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए, तभी आप और ज्यादा सफलता प्राप्त कर पाएंगे। नौकरी में अपनी योग्यता पर विश्वास करिए, यानी अपने स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को और बेटर बनाइए। वर्क प्लेस पर आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, धन लाभ के नए योग बनेंगे, शेयर बाजार में अच्छी खरीद फरोख्त हो सकती है। परिवार में अपने रिश्तों के लिए आपको और समय निकालने की आवश्यकता है, साथ ही पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा। घर में सुकून भरा माहौल बनेगा, व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें, अपने विचारों को और पॉजिटिव बनाइए। चंद्रमा का पंचम भाव से षडाष्टक दोष रहेगा, जिससे स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स व्यर्थ की बातों के लिए अपना कीमती समय न गवाएं। गुजरा हुआ समय खुली मुट्ठी में रेत को रखने जैसा है, निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन की वजह से आपको तकलीफ आएगी, सावधान रखिए। वृश्चिक राशि, मेरे प्रिय साथियों, ज्ञान में आज वृद्धि होगी, कुछ अच्छा पढ़ना, कुछ अच्छा देखना, अच्छे लोगों से मुलाकात आपको रास आएगी। मंगल आपकी राशि में स्वग्रही होकर रोचक योग बना रहे, एनर्जी लेवल शांता रहेगा, काम करने का नशा रहेगा और सातवीं दृष्टि व्यापार भाव पर होने से आप कॉरपोरेट और एक सुलझे हुए व्यक्ति के तरीके से बात करिए, प्रोफेशनल डील करिए, आइडियाज का विचार विमर्श करके इम्प्लीमेंट करिए। बान पद प्रतिष्ठा के साथ नए ऑर्डर भी मिलेंगे, साथ ही बिजनेस में दिन अतिरिक्त आय वाला रहेगा। नौकरी के लिए आप नए सिरे से अपनी प्रायोरिटीज को तय करिए,
परिवार में अपनी योजनाओं को थोड़ा रोकिए और उन पर फिर से विचार करें। साथ ही परिवार में आपसी विवादों को चर्चा में रखने से परहेज करिए, वरना आपको तकलीफ आ सकती है। किसी को राय देने, सलाह देने से नुकसान होगा बिना मांगे। अपनी काबिलियत को जानते हुए आप ठीक से इस्तेमाल करिए, भरोसा रखिए आपकी शाम शानदार गुजरेगी। आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनल सोचना चाहिए। चंद्रमा का पंचम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नई कोशिश रास आएगी, लेकिन आपके लव पार्टनर से थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, ख्याल रखिएगा। असफल रह गए तो पाने की कोशिश हजार बार करिए, पर कोशिश करने का तरीका हर बार नया ढूंढिए। हाई ब्लड प्रेशर और एंग्जायटी वाले लोगों को बहुत संभल के रहना होगा। धनुराशि, यात्रा के समय थोड़ी समस्या आ सकती है, ख्याल रखिएगा। मंगल का सप्तम भाव से षडाष्टक दोष रहेगा, जिससे बिजनेस में टेंशन से घिरे रहने की संभावना। ये दिन कुछ उथल पुथल भरा जरूर रहेगा। नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोगों को तनाव हो सकता है, लेकिन सही लोगों की मदद और सलाह भी मिलेगी। तनाव से सुकून प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वर्तमान का सुकून भी चला जाता है। वर्क प्लेस पर नेतृत्व लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत शानदार है, लेकिन मैं ही समझदार हूं, बाकी सब बेवकूफ है, ये सोच मत रखिए। लीडर बनिए जरूर, लेकिन लोगों को मत बताइए आप लीडर हैं, आप उनके साथी हैं। नौकरी में आपके कार्य में बाधाएं आपको बेचैन करेंगे, साथ ही संभावना है कि कुछ परिस्थितियों से आप थोड़े विचलित हो जाएं, आप उनसे निकलने का प्रयास जरूर करिए। परिवार में किसी भी काम को संपन्न करने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन शानदार रहेगा, इससे समस्याओं का हल निकलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स फोकस नहीं कर पाएंगे और बाद में हताश और निराश हो जाएंगे, अपने प्रयास शानदार करिए। किसी खास वस्तुओं के खोने या चोरी होने की संभावना ज्यादा है। भावनाओं में आकर कोई भी बड़ा निर्णय न लें। कभी कभी आपकी शंकालु प्रवृत्ति यानी शाइनेस दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। मंगल की सातवीं दृष्टि छठे भाव पर होने से सेहत में थोड़ा सुधार आ सकता है। मकर राशि, बिजनेस में तेजी कैसे आए, इसके लिए तेजी से काम करिए। वहां रहिए जहां आपकी जरूरत है, जहां आपका काम खत्म निकल जाइए। मंगल का सेवंथ हाउस से नवम पंचम राजयोग रहेगा। बिजनेस पार्टनर से, ग्राहकों से आफ्टर सेल सर्विस अच्छी करके महत्वपूर्ण योजनाओं को अमली जामा पहना के लाभ मिलेगा। अपने भविष्य को लेकर आप ज्यादा सतर्क रहेंगे। चंद्रमा का 11th हाउस से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे कुछ आर्थिक लाभ आपको मिल सकते हैं। नौकरी में काम की डेडलाइन, हर काम को तय समय पर पूरा करिए, लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अपने साथियों से पूरा सहयोग मिले, इसके लिए पहले सहयोग दीजिए। परिवार में दुविधाओं में निर्णय न लें, परिस्थिति के अनुकूल होने का इंतजार करिए। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर के लिए यदि मन में कुछ भावनाएं हैं तो उन्हें व्यक्त अवश्य करें। भूमि अथवा इससे संबंधित कोई अटका लटका भटका काम आज किसी की मदद से पूरा हो जाएगा। मंगल और केतु की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से आज सरकारी बैंक में के लोगों से न उलझे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। और लव पार्टनर से थोड़ी दूरी बनाइए, सोशल मीडिया को साइड में रखिए, आपको परिणाम शानदार मिलेंगे, वरना सफलता मिलते मिलते रह जाएगी। मेरे प्रिय साथियों, अपनी ऊर्जा को भरपूर इस्तेमाल करिए, समय को सही जगह लगाइए। ग्रह स्थिति देखते हुए सेहत अच्छी है, इसलिए ट्रैवल किया जा सकता है। कुंभ राशि, खर्चे और कर्जे कैसे कम करें, पैसे कैसे कमाएं, पैसे जोड़ें कैसे, भविष्य के लिए पैसे की योजना आज बनाएं, लाभ मिलेगा। बिजनेस में जो भी आप पाना चाहते हैं वह अवश्य मिलेगा, ये सोच अच्छी है, पर कैसे, इसके लिए अपनी योग्यताओं को पहचानिए। प्रयास काफी नहीं है, स्मार्ट वर्क जरूरी है। साझेदारी के नए प्रस्ताव मिलेंगे, यानी आपको लव पार्टनर लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर से अच्छा लाभ मिल सकता है। कर्म स्थान में मंगल स्वग्रही होकर रोचक योग बनाएंगे, जिससे कर्मचारियों को उनके विचार प्रकट करने से रोके मत। टेलीफोन द्वारा, किसी और कम्युनिकेशन के माध्यम के द्वारा आपको अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। ऑफिस में आपको कोई विशेष अथॉरिटी मिल सकती है। नौकरी में नए अवसर आपके लिए लाभदायक रहेंगे। अपने काम और रिश्तों के प्रति समर्पण दिखाना पड़ेगा। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर में प्यार इश्क और मोहब्बत में कमी न आने दें। परिवार में बड़ों की सलाह अवश्य लीजिए, कोई निर्णय लेते समय भावुक न हो। परिवार के बिना हर इंसान इस दुनिया में अकेला है। पंचम भाव के लॉर्ड बुध 11th हाउस में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे, जिससे स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स मन की आवाज सुन पाएंगे। सेहत का पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लीजिए। मीन राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से बड़ा कोई लाभ मिल सकता है। सप्तम भाव के लॉर्ड बुध दशम स्थान में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे, जिससे नए साल की दस्तक आपके बिजनेस में उछाल लाएगी। बस आप अपना साहस ऊंचा रखें, बिना किसी परेशानी के परिस्थितियों पर नियंत्रण पा लेंगे। नौकरी में पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का दिन है। वर्क प्लेस पर किसी ने
आपके साथ गलत व्यवहार किया है, आपके बारे में कुछ बुरा बोला है, दूसरे गांव से निकाल दीजिए। परिवार से संबंधित व्यर्थ चिंता न करें बल्कि ट्रेवल करें। पति पत्नी दोनों ही अपनी अपनी व्यस्तता के कारण एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे, परंतु एक दूसरे के प्रति विश्वास संबंधों को मजबूत बनाएगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन व गुस्से जैसी स्थिति रहेगी। तनाव से मुक्ति पाने के लिए कुछ समय मनोरंजन और परिवार के साथ घूमने फिरने में व्यतीत करिए। मंगल का पंचम भाव से नवम पंचम राजयोग स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए शानदार परिस्थिति बना रहा है। बस आप अपने खेल और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी सब भूल जाइए। मेरे प्रिय साथियों, बात करते हैं आज के एस्ट्रो ज्ञान की। अगर आपकी राशि वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या है तो सामान्य। तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन है तो शुभ दिन है। मेष, सिंह, धनु राशि वाले लोगों के लिए संभल के रहने वाला दिन है, लेकिन फिर भी आज आप चार सूखे जटा वाले नारियल लेकर उनकी एक माला बना लें और गणेश जी को चढ़ा दें। वो माला सूतली से बनाए, धागे से बनाए। इस उपाय के बाद कार्य में आने वाली बाधाएं और आपके राशि पर आए हुए संकट दूर हो जाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जानकारी ली जा सकती है। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।